तो इसी सीरीज में ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा ऑप्टिक्स 1 यूनिट 3 इंटरफेरेंस लेक्चर 4, और इसमें हम कवर करेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। वो फ्रिंज जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि एक डार्क एक ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरह से वो डब्बे डब्बे से बनते आते हैं, तो कि उनको उनका हम एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, यानी उनका डेरिवेशन कैसे है, ये भी अक्सर पेपर में आता है। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। तो एक बार इसको देखते हैं जरा फिगर को, कि मान लीजिए कि कोई सोर्स है हमारा एस, और सेम वही प्रोसेस है कि भाई उसके अपोजिट में जा करके दो सोर्स बनेंगे एस वन और एक दूसरा सोर्स बनेगा एस टू, और कोई पॉइंट है पी, और पी पॉइंट तक मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है हमारी सी से सेंटर से, और ओ एस से सेंटर का दोनों का डिस्टेंस सेम है, और दोनों एस वन एस टू से अगर हम इसको मेजर करते हैं तो ये हमारी डी है हमारी कंसिडरेशन में। तो अब इसको आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं एक बार, और ये सब लिख करके आना है पेपर में जो स्क्रीन पर है, इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो या फिर मैं पीडीएफ आपको क्लास में भेज दूँगा। तो है कंसीडर अ स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एट टू पिन होल्स ए एंड बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एस। कि ये कोई शीट है, इसमें हमने दो कोई पिन होल्स कर लिए हैं, या वही दो इमेजिनरी सोर्सेज की तरह बिहेव करते हैं ये दोनों, और इन दोनों के नाम हमने ले लिए हैं। लेट ए एंड बी बी द टू कोहरेंट सोर्सेज, लेट द स्क्रीन बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सोर्स। सॉरी, ये सोर्स नहीं है, ये स्क्रीन है। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक था पहले, ये क्योंकि स्क्रीन से ही डिस्टेंस है वो, ठीक है वो थोड़ा पढ़ने में ध्यान उत्सुक हो गया। लेट द स्क्रीन बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सोर्स, ये स्क्रीन सोर्स से डी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, बिल्कुल ठीक है ये। द पॉइंट सी ऑन द स्क्रीन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, स्क्रीन सी पॉइंट है जो वो ए और बी दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर है। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव रीचिंग सी इज जीरो, यानी सी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस यानी ए से और बी से दोनों से अगर आती है तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस सेम है, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस है और सेम ही टाइम यहाँ तक आने में लगेगा। दस एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर हैज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी एज शोन इन फिगर वन। तो ऐसे तो सी पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, यानी सी पॉइंट पर एकदम ब्राइट वाली फ्रिंज होगी, और ब्राइट का भी मिड पॉइंट होगा उस पोजिशन पर। तो जो बीटा होगा बीटा हमारा एक ब्राइट से दूसरी ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो बीटा है, जो फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। और ऐसे डार्क के केस में भी ऐसे ही है कि डार्क के मिड से दूसरे डार्क के मिड तक का जो डिस्टेंस है। तो ये समझ आया होगा, आगे चलते हैं हम। अब ये इक्वेशन हमने बनानी है फिगर उससे, फिगर से, फ्रॉम फिगर वन। पी क्यू को देखो जरा क्या है एक बार, पी क्यू पी टू क्यू, अगर ये कंप्लीट पी से सी तक हमारा एक्स है तो पी टू की क्यू क्या है, एक बार देखो। क्यू टू सी को देखो, क्यू टू सी को देखेंगे तो ए टू जो एस है ये इसके, यानी एक बार जरा यहाँ देखो कि ए टू बी है वो कैपिटल डी है, और जो A2 इस पॉइंट पर जो पॉइंट है कोई यहाँ तक का जो A से ये डिस्टेंस है ये क्या Q से C के इक्वल है, और ऑब्वियसली दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये इसके पैरेलल लाइन है, ये कंप्लीट D है और ये इसके मिड में है, तो ये D बाई टू हो जाएगा, यानी A2 B अगर D है तो A2 इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो D बाई टू हो गया, तो C2 Q भी D बाई टू हो गया। लेकिन हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, पी टू क्यू की, तो पी टू क्यू क्या हो गया, एक्स माइनस डी वाई टू। ध्यान से देखो एक बार जरा, पी टू क्यू यहाँ से अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किसके इक्वल है, इस कंप्लीट एक्स में से क्यू टू सी माइनस कर देंगे,
क्यू टू सी क्या है, डी वाई टू, तो पी टू क्यू क्या हो गया, एक्स माइनस डी वाई टू, ये हो गया भाई पी टू क्यू क्या हो गया आपका, एक्स माइनस डी वाई टू। एंड पी आर, अब पी आर देखो, पी आर भी ऐसे ही है, पी टू आर यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो पी टू आर में तो सिंपल है, पी टू सी प्लस सी टू आर, सी टू आर क्या है, ये डी वाई टू है, डी वाई टू प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस डी वाई टू, ये क्या हो जाएगा आपका पी टू आर का इक्वल हो जाएगा। ये हमने आगे लिखा है नेक्स्ट स्लाइड में कि पी आर किसके इक्वल है, एक्स प्लस डी वाई टू के बराबर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि पी टू क्यू क्या है और पी टू आर क्या है। दोबारा एक बार देख लो, पी टू क्यू क्या है, ये है एक्स माइनस डी वाई टू, डी वाई टू क्या है, क्यू सी, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ऐसे पी आर क्या है, एक्स प्लस डी वाई टू, डी वाई टू क्या है, सी आर है, क्योंकि ये दोनों यहाँ, ये भी समझो कि ये इसके पैरेलल है, सी टू आर एक डी है और सी पॉइंट इनके बीच में, तो ये डी वाई टू हो गया, ये भी डी वाई टू हो गया। तो अगर जब इसकी बात करेंगे तो एक्स माइनस डी वाई टू, और पी टू आर की बात करेंगे तो एक्स प्लस डी वाई टू। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं पी आर बी, इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, पी आर बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये। ठीक है, इसमें जब हम पी बी निकालेंगे तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल समझ आ रहा होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हम पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो पी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, आ जाओ, तो बी पी स्क्वायर या पी बी स्क्वायर इसके इक्वल हो गया डी स्क्वायर प्लस एक्स बाई डी बाई टी, डी बाई टू का होल स्क्वायर। दोबारा देखो एक बार कि ये तो पी आर है, पी आर किसके बराबर बताया था, एक्स प्लस डी बाई टू, और बी आर किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो बी पी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये हो गया भाई आपका, फ्रॉम ट्राइंगल पी आर बी, बी पी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका इक्वेशन वन बन गई है। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये दूसरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें अगर आपने ए पी स्क्वायर निकालना है तो करंट इसका निकालेंगे, तो इसका भी सेम वही मेथड है, राइट एंगल ट्राइंगल है ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर किसके बराबर है, डी के बराबर है, और पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स माइनस डी बाई टू के होल स्क्वायर के बराबर है। तो ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ए पी स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, इक्वेशन दो बन गई है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं किया है अभी तक हमने, केवल एक बार पी क्यू को डायग्राम से देखा है कितना आया है, दूसरा पी आर को देखा है, उसके बाद एक ट्रायंगल ए पी क्यू में राइट वो लगाया है हमने, पाइथागोरस लगाया है, दूसरा बी पी आर में पाइथागोरस लगाया है, और अब हम आगे क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम वन, यानी इस इक्वेशन को वन में से माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा ये। ठीक है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम वन वी गेट, तो बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर लेफ्ट हैंड को हो गया, दिस माइनस दिस, तो राइट हैंड को भी ऐसे हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें एक्स प्लस डी बाई टू के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो अलग हो गया, आगे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू डी बाई टू, ये हो गया माइनस, सेम इसमें भी फॉर्मूला लगा करके खोल दिया इसको, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी स्क्वायर बाई फोर माइनस टू इंटू एक्स इंटू डी बाई टू। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इनमें से कौन कौन सी टर्म्स कट रही हैं, ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो ये सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो गया आपका, ये एज इट इज रहेंगे डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस टू एक्स डी बाई टू,
और माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस टू एक्स डी बाई टू। आगे हम इसको देखेंगे, एक्स स्क्वायर से सॉरी डी स्क्वायर से ये वाला डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस प्लस डी स्क्वायर बाई फोर से माइनस डी स्क्वायर बाई फोर हो गया। और ये कैंसिल नहीं हुआ, ये बस इनका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में टू से टू कैंसिल हो गया है, सेम यहाँ पर भी टू से टू कैंसिल हो गया है, दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये टू टाइम्स हो जाएंगी, यानी टू एक्स डी हो गया है। यानी जो राइट हैंड साइड को पूरा हमने एनालिसिस किया था वो मर्ज होकर के क्या बन गया है, टू एक्स डी बन गया है। लेफ्ट हैंड को क्या चल रहा था हमारे पास, बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, तो बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर किसके बराबर आ गया है, टू एक्स डी के बराबर आ गया है। बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स डी ये बन गया है। अब लेफ्ट हैंड को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बी पी प्लस ए पी एंड बी पी माइनस ए पी इक्वल टू टू एक्स डी। क्लियर है? इसके बाद ये पॉजिटिव टर्म है बी पी प्लस ए पी, इसको राइट हैंड में लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी ये, तो बी पी माइनस ए पी इक्वल टू टू एक्स डी अपॉन बी पी प्लस ए पी, ये इक्वेशन बन गई है हमारी थ्री। ठीक है, बट बी पी इक्वल टू ए पी इक्वल टू डी ये अप्रोक्सीमेट है डी के बराबर है। ये डी के बराबर कैसे है एक बार हम इसको देखेंगे कि ये पाथ ये लगभग दोनों सेम ही है। ये जब हम इनको डी बहुत ज़्यादा है और ये एंगल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ये वाला, तो ये ऑलमोस्ट दोनों इक्वली हैं। तो बी पी इक्वल टू ए पी इक्वल टू डी, देयरफॉर इक्वेशन थ्री द पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर, तो हम जो ये टू डी के बराबर हम इसको रख लेंगे, तो ये होगा बी पी माइनस ए पी इक्वल टू टू एक्स डी अपॉन टू डी, टू से टू कट जाएगा तो ये हो जाएगा बी पी माइनस ए पी इक्वल टू एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया है बी पी माइनस ए पी इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। अब ये यहाँ तक तो जनरल केस हो गया है, ये अब हम केस करेंगे इसका एक बार अब ब्राइट फ्रिंज के लिए और एक बार डार्क फ्रिंज के लिए। तो हम ब्राइट फ्रिंज का केस पढ़ते हैं, ये अपने डिटो एज इट इज लिख करके आना है, कुछ भी इसमें ना छोड़ने लायक है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है इसमें। तो फर्स्ट केस है इसमें ब्राइट फ्रिंज का, इफ़ द पाथ डिफरेंस इज ए होल नंबर मल्टीपल बाई लैम्डा द पॉइंट इज ब्राइट फॉर द पी टू बी ब्राइट। यानी ब्राइट और डार्क फ्रिंज को अगर हम देखें, भाई आप यहाँ से चले सेंटर पॉइंट से, यहाँ से दूसरे ब्राइट के सेंटर का बीच का डिस्टेंस है, ये हमारी एक ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ है, ये सेम ही होती है डार्क ब्राइट दोनों फ्रिंजेस की, वो भी यहाँ एक्सप्रेशन से क्लियर हो जाएगा। तो ये एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है, जब कब है, जब हमारा ये होल नंबर में है, ठीक है, वेयर एन इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, इस तरह से एन की वैल्यू अलग अलग हैं। तो एक्स अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये इक्वेशन बन जाती है। इसमें हम अब एक एक फ्रिंज विड्थ अगर चेक करेंगे तो उनको फिर हम कंपेयर करेंगे तो पता लग जाएगा भाई एक से दूसरे के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है और वो सबके लिए सेम है या नहीं है। तो वेयर अब इसमें एन की हम अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, एन जीरो तो एक्स नॉट भी जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो जीरो हो गया, उसके बाद जब एन इक्वल टू वन पुट करते हैं तो एक्स कितना आ जाएगा, एन तो वन हो जाएगा, तो एक्स वन कितना हम उसको एक्स वन लिखेंगे तो लैम्डा डी अपॉन डी, ये हो गया। एन फिर इसमें जब टू पुट करेंगे तो एक्स टू क्या हो गया, टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये हो गया। ऐसे एन थ्री पुट करेंगे तो एक्स थ्री क्या होगा, थ्री लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। एन फोर पुट करेंगे तो एन एक्स फोर इक्वल टू फोर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। इसी तरह से चलते रहेंगे, जब एन इक्वल टू एन होगा तो एक्स एन इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन डी हो जाएगा। अब यहाँ देखें, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज गिवन बाई, कि भाई दो कंजिक्यूटिव फ्रिंजेस के बाद बीच का अगर डिस्टेंस निकालेंगे, यानी एक फ्रिंज से दूसरी फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो एक्स टू में से एक्स वन को माइनस कर देंगे, या एक्स वन में से एक्स नॉट को माइनस करेंगे, एक्स थ्री में से एक्स टू को करेंगे, यानी फोर्थ फ्रिंज में से थर्ड फ्रिंज को, थर्ड में से सेकंड को, सेकंड में से फर्स्ट को, फर्स्ट में से जीरो फ्रिंज जहाँ से शुरू हो रही है माइनस करेंगे, तो सारी एक एक फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी हमारे पास।
तो ऐसे हम इस यहाँ आ गए कि एक्स वन माइनस एक्स नॉट, भाई फर्स्ट फ्रिंज में से एक्स नॉट माइनस करेंगे तो ये क्या है बट ये अभी देखेंगे लेफ्ट साइड से। तो ये हो गया लैम्डा डी अपॉन लैम्डा डी, सॉरी ये माइनस है यहाँ पर, लैम्डा डी माइनस ज़ीरो, क्योंकि एक्स वन तो हमारे पास लैम्डा डी अपॉन डी है, तो इसमें से ये ज़ीरो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन डी। ऐसे ही एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो टू लैम्डा डी अपॉन डी माइनस लैम्डा डी अपॉन डी, तो टू में से वन जाएगा तो वन, तो ये लैम्डा डी अपॉन डी। ऐसे ही थ्री में सिमिलरली सारे केसेस होते चले जाएंगे, एक्स थ्री माइनस एक्स टू करेंगे तो ये भी लैम्डा डी अपॉन डी। तो यानी जब हम यहाँ पर देखेंगे कि सारी फ्रिंजेस का जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम आ रही है, इसी तरह से चलती चली जाएंगी आगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्राइट फ्रिंज विड्थ, हैंस विड्थ ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल। ये यहाँ से क्लियर हो गया कि सारी फ्रिंज विड्थ हमारी इक्वल हैं और ब्राइट फ्रिंज विड्थ कितनी आई है हमारी लैम्डा डी अपॉन डी आई है। ऐसे ही सेकंड केस है हमारा डार्क फ्रिंज का। इफ द पाथ डिफरेंस इज एन ऑड नंबर या मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ यानी लैम्डा बाई टू में है वेवलेंथ, द पॉइंट पी इज डार्क, दैट इज द पॉइंट टू बी डार्क, यानी पी पॉइंट वो डार्क पर होगा। तो लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा डी, सॉरी लैम्डा बाई टू, वेयर एन इक्वल टू जीरो वन टू थ्री। इसमें हम यहाँ पर एक्स निकाल लेंगे यहाँ से भी, तो ये हो जाएगा टू एन प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन टू इंटू स्मॉल डी। ऐसे हम एन की इसमें अलग अलग वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब हम जीरो पुट करेंगे एन की तो हम उसको एक्स ज़ीरो नाम दे दिया, तो ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा वन यानी लैम्डा डी अपॉन टू डी, एक्स ज़ीरो में हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन टू डी। और एन जब वन पुट हमने किया है तो एन हो गया तो टू हो गया, ये टू प्लस वन थ्री हो गया, थ्री लैम्डा डी अपॉन टू डी, थ्री लैम्डा डी अपॉन टू डी। एन इक्वल टू टू करेंगे तो फाइव हो जाएगा, फाइव लैम्डा डी अपॉन टू डी, एन इक्वल टू थ्री करेंगे एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये इस तरह से हमारे पास आते चले जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि देयर फॉर द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस विच इज ऑल्सो नोन एज द विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। तो ये अब इन दोनों में से हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इन दोनों का जो फ्रिंज का डिफरेंस आ जाएगा सेम लास्ट की तरह ही कि वन में से जीरो का, टू में से वन का माइनस करेंगे तो एक फ्रिंज का विड्थ आ जाएगा। अब इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट करेंगे तो ये है थ्री लैम्डा डी अपॉन टू डी माइनस लैम्डा डी अपॉन टू डी, थ्री लैम्डा डी ये करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो थ्री माइनस वन टू हो जाएगा, तो ये आएगा टू लैम्डा डी अपॉन टू डी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगी आपका डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा डी बाई टू। ऐसे ही सेकंड फ्रिंज में आएगा एक्स टू में से एक्स वन माइनस करेंगे वो भी लैम्डा बाई डी आएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स टू करेंगे वो भी लैम्डा डी बाई डी आएगा। तो इसी तरह से ये फ्रिंज विड्थ है ये भी हमारा लैम्डा डी बाई डी आता चला जाएगा अप टू एन, जितनी भी फ्रिंजेस होंगे किन्हीं भी कोई दो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का जब हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे वो लैम्डा डी अपॉन डी ही आएगा एंड सो ऑन। हैंस विड्थ ऑफ ऑल डार्क फ्रिंजेस आर इक्वल। तो यहाँ पर भी हमने क्लियरली दिखा है कि भाई सभी डार्क फ्रिंजेस की जो फ्रिंज विड्थ है वो इक्वल है, यानी जो बीटा है ये बीटा ही तो है लैम्डा डी अपॉन डी। आगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव डिस्कशन दैट फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल। यहाँ से क्लियर हो गया है क्लास से कि बीटा क्या आया था लैम्डा डी अपॉन डी आया था डार्क फ्रिंज के केस में, ये रहा ब्राइट फ्रिंज के केस में भी और डार्क फ्रिंज के केस में भी बीटा हमारा इक्वल आया था और कितना आया था लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। थैंक यू। एनी क्वेश्चन?